कैंडल लाइट डिनर। फ्रेंड्स, जब भी आपके माइंड में ये ख्याल आए कि कैंडल लाइट डिनर पे जाना है, तो सेकेंड थॉट यही आता है ना कि जाए तो जाए कहाँ। सो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आई हूँ बॉम्बे टक में, और बॉम्बे टक जो प्लेस है वो एक बॉलीवुड स्टाइल कैंडल लाइट डिनर के लिए बहुत अच्छी है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, स्विमिंग पूल है, ग्रीनरी है, एब्सोल्युटली एक रोमांटिक डेट के लिए बहुत ही सुंदर जगह है ये। यहाँ का एकदम नेचुरल एटमॉस्फेयर है। और दोस्तों, मैं बता दूँ आपको कि थाने के येऊर लोकेशन में है, और बहुत ही सुंदर जगह है येऊर भी, और ये भी काफ़ी स्पेशियस है। लाइक 250 से 300 लोग आराम से इसमें एक टाइम में आराम से बैठ सकते हैं। काफ़ी ग्रीनरी है आसपास, स्विमिंग पूल के आसपास कपल्स के लिए टेबल लगाए हैं, एंड फैमिली के लिए भी यहाँ पे अच्छे खासे स्पेसेस हैं, टेबल्स हैं। फ्रेंड्स, मैं बता दूँ यहाँ पे वेज नॉन वेज का किचन अलग नहीं है, सो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उनके लिए जो प्योर वेजिटेरियन है। जैन फूड यहाँ पर नहीं मिलता है, सो द पीपल हु इज जैन एंड प्योर वेजिटेरियन, उनके लिए खाने पीने के लिए कुछ भी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है। अदरवाइज यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है खाने का, वेज नॉन वेज दोनों भी। एज़ पर माई फ्रेंड्स, बिकॉज आई एम प्योर वेजिटेरियन, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया, बट एज़ पर माई फ्रेंड्स खाना पीना बहुत सही है यहाँ पे। और मैं बता दूँ आपको कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, सर्विस है, वो भी बहुत अच्छी है। सो एक प्रॉपर डेट, रोमांटिक कैंडल लाइट डेट के लिए ये जगह बहुत अच्छी है दोस्तों। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको इस लोकेशन के बारे में बॉम्बे डक की कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़।